जब से मैंने यही देखा है कि दलित समाज को ऐसे समाज को यूज किया है हर किसी ना किसी सरकार ने, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यहाँ की जो जनता है वो बेचारी परेशान है, पानी के लिए भी परेशान है, आने जाने के लिए भी परेशान है, क्योंकि इनको गुजर बसर करने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर स्कूल नहीं है, स्कूल थी वो भी बंद हो गई। मतलब जितने भी प्रतिनिधि है ना, जितने भी आए थे उनको सबको अवगत कराया है, आश्वासन देते हैं वो। नाली को ना मारे, लाइट की समस्या, लाइट टाइम पर कौन आती है, और जैसे गरीब गरबा की कोई पूछना है कौन। जो आता है और सब कह जाता है पैरन में डोक देगा, हाथ जोड़ेगा और फिर कुछ भी नहीं करेगा ना। आज दामूक नायक की टीम राजस्थान के दौरे पे और हम सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बस्ती में पहुंचे हैं जहाँ दलितों की बस्ती है लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं है। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं और किस तरह से वो यहाँ गुजर बसर करते हैं, कब आके यहाँ वो बसे थे। हमारे साथ एक युवा है इंदरराज बेरुआ, हम उनसे जानेंगे कि असल समस्या क्या है यहाँ की एससी समाज की। यहाँ की जो समस्याएं हैं, सबसे मूल समस्या है कि यहाँ की रहने वाली जो बस्ती है वो गड्ढे में रह रही है सर, क्योंकि यहाँ पानी इतना आता है कि ऊपर से जो रोड बनी हुई है उसका पानी भी अंदर आता है और वो पानी इधर बस्ती में जाकर के भर जाता है, ताकि नामुमकिन जो लोग हैं ये बेचारे घर बसर करते हैं ये अंदर फंसे हुए हैं, जिसे कि डर के मारे ये दूसरों से कह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो देख करके चले जाते हैं और इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल नहीं कर पाते। आपने एक चीज कही कि डर के मारे, ये डर किसका है? डर है सर, ये ऊपर जो राजनीति जितने भी लोग आते हैं वो बेचारे दबाव डलाते हैं इनके ऊपर, ताकि ये कह नहीं सकते, क्योंकि अगले 5 सालों में जो वसुंधरा जी आई थी उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, अगले इसमें जो सेशन वर्तमान में जो चल रहा था गहलोत सरकार का उसमें भी कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो बेचारी परेशान है, पानी के लिए भी परेशान है, आने जाने के लिए भी परेशान है, क्योंकि इनको गुजर बसर करने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, जो 100, 200, 150 की मजदूरी करके आते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है यहाँ? शिक्षा का भी अभाव है यहाँ पर कुछ है। किस तरह का अभाव है? मतलब कि यहाँ पर स्कूल नहीं है, स्कूल थी वो भी बंद हो गई। समस्या ये है, नाज नहीं देता डीलर, परेशान करता है, मेरे को नमक हल्दी मिर्ची भी नहीं मिली। नहीं तो डीलर कौन है, कहाँ का लगता है? मानोली का डीलर है। क्या नाम है उनका? अशोक डीलर। तो कहीं शिकायत की प्रशासन से आपने? शिकायत नहीं की। तो फिर कैसे काम चलेगा? जब आप शिकायत नहीं करोगे, शिकायत क्यों नहीं कर रहे जब आपको सामान नहीं मिल रहा? तेरा नाम ही नहीं है ऐसे बोलता है। इसकी जाँच करवाइये ना, नाम है या नहीं है, यही समस्या है। यहाँ की मूल समस्या है, मैं बताऊँ ना आपको कि भाई सबसे मेन मूल समस्या यहाँ की यह है कि भाई यहाँ पे ना एक तो पानी की निकासी नहीं है, भाई यहाँ पे रोड तो है, बता दी है पानी की तो है निकासी नहीं, उसके अलावा स्कूल है ना, और पूरा जो पानी है ना यहाँ का वो पूरा खराब है। मतलब यहाँ पे मतलब फ्लोराइड का लेवल ना काफी हाई है, इस वजह से लोग ना मतलब टैंकों से ना पानी की सप्लाई करते हैं यहाँ पे। मतलब जितने भी प्रतिनिधि है ना, जितने भी आए थे उनको सबको अवगत कराया है। अभी जैसे अभी चुनावी माहौल चल रहा है, मतलब 2-3 प्रत्याशी भी आ चुके हैं, उनको भी इस चीज से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने मतलब आश्वासन देते हैं वो कि भाई सिर्फ ओनली आश्वासन है, इसके अलावा कोई रेस्पॉन्स। हमारे साथ यहाँ कुछ महिला है, उनसे भी यहाँ की समस्या जानेंगे, क्योंकि महिला भी बहुत समस्याओं को फेस करती है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कजोड़ देवी। तो यह समस्या क्या है आपकी इस बस्ती में? यहाँ तो बहुत समस्या है, आप बताएं। देखो पहला तो जी ये नाली को ना मारे, लाइट की समस्या, लाइट टाइम पर कौन आती है, और जने जे गरीब गरबा की कोई पूछना है कौन, वोट ले जाओ सरकार है वह चुनाव लड़ लेगा और वैसे आपका काम हो फ्री, कोई न्यू राम राम कौन करे? नहीं क्यों नहीं करते हैं तो समाधान तो सरकार बनती है तो भाई, समस्या क्यों नहीं करता है भाई? इनसे वोट ले लिया गरीब अंशु, दबाव देर और फिर दबाव देर या फिर लालच में वोट देते हो आप? लालच में काहे, 1 रुपये खोल लिया हम तो, कदे 5 रुपया भी खोल लिया। तो फिर आप उनको पकड़ते क्यों नहीं है नेताओं को? पकड़ते, मैंने गल्लाबारी हाथ दे दिया अबार दानिश से, तो इन गल्लाबारी हाथ दे दी मैं, भाई हमारी यहाँ समस्या था, हमारा गोदा रुक गया, पग रुक गया है, कमर दर्द कर रहे थे, पानी में फ्लोराइड ज्यादा थे हमारा में जी की वजह से रुक गया। नहीं तो किसी प्रशासन के अधिकारियों को भी आपने बताया कि फ्लोराइड है या हमारा समाधान करो? बता दिया ने, देखो या दिया कुमारी आई पहला वो को बता दिया, फिर ये काय नाम से देख उनको नाम कौन दानिश को बता दिया, बेबी कौन उनने भी कौन करी,
और ये हमारी ग्राम पंचायत है, जे अगर रोड लाइट लगा देगा तुम्हारा कोई समस्या नाली कटा देगा कोई काय करा देगा बिल्कुल ही कौन करे काम, जे काम करेगा ना पहला उसको देगा वोट। किस तरह के काम करवाना चाहते हो आप? हमारी सारी समस्या करे पूरी। अच्छा। भाई समस्या पूरी करे हमारी। तो सरकार ने अभी जैसे राशन भी दिया है और गहलोत काय का राशन दे रहा है, दे रही है बार पूरा परिवार को 5 किलो अनाज दीजिए पूर्ति हो जाओगी क्या? बिल्कुल ही कौन हो? क्यों नहीं होती पूर्ति 5 किलो अनाज से? 5 किलो बार 5 आदमी से 5 किलो एक महीना में 5 किलो से काय हो जाए? ये बात भी सही है। तो कितना चाहिए, मतलब कितना चाहिए बार एक आदमी को 10 किलो तो चाहिए महीने भर के लिए। हाँ अभी और सरकार गारंटी भी दी है कुछ काम भी, जैसे हेल्थ को लेके गहलोत सरकार की स्कीम थी महिलाओं को तो मोबाइल दिए। मोबाइल तो दे दिया, मोबाइल में काय करेगी? क्यों मोबाइल में बात करेगी सारी चीजें करे पीयर वालों से? रिचार्ज थोड़ा सा दिन तो चलाओगे फिर बंद कर देगा, गल्लान का खराबी होगी। मोबाइल लेके भी आप संतुष्ट नहीं हो कांग्रेस सरकार? हमको तो कहा कौन मिले पहाड़ा में? तो एक कोई कौन मिले गरीब इनको? तो यहाँ मोबाइल नहीं मिले, एक कोई कौन मिले? एक को भी वोट तो जो हमको काम करा होगा जिनको नहीं। जैसे सोच भी तो होगी ना, किस सोच के साथ जा रहे हो आपकी बात? सोच ऐसे जो आता है और सब कह जाता है पैरन में डोक देगा हाथ जोड़ेगा और फिर कुछ भी नहीं करेगा। नाली और पानी काम, हमारे तो नाली और पानी नेता आके डोक देते हैं हाथ जोड़ते हैं फिर काम नहीं करते वोट लेने। कुछ भी नहीं काम करे वोट के पास, दोबारा जागता ही नहीं है। हाँ दोबारा आके यही नहीं कहता क्या हो रहा है? मजदूरी करते है। कितना कमा लेते हो? ये तो देखो बेलदारी है। जैसे इस बस्ती में जहाँ आप रह रहे हो वहाँ समस्याएं क्या है मूल रूप से? घर की गरीबी है। नहीं, और भी तो कोई समस्या होगी? समस्या तो पानी की समस्या। पानी की समस्या कैसा पानी है यहाँ? पानी खारा है जी, काम लायक नहीं। अच्छा। फ्लोराइड बहुत। मैं दिखाना चाहूंगा ये विकलांग है यहाँ, एक दिव्यांग है, और इनकी क्या स्थिति है, गरीब परिवार से है, सरकार की क्या सहायता मिली है हम इनसे जानना चाहिए। आपको सरकार से कोई सहायता मिल रही है? नहीं कुछ भी नहीं मिली आज। एक दिन दानी सबरा आया था गांव में तो वहां पर भी गए थे हम, तो फिर गाड़ी करके लेके गए थे उसने कुछ नहीं बोला, वहां से खंगा दिया। क्या क्या कहा? साइकिल मोटरसाइकिल के लिए किया था तो फिर नहीं मिली साइकिल? नहीं कुछ भी नहीं मिला। आपके पास सर्टिफिकेट है दिव्यांग का? नहीं है। क्यों नहीं बना सर्टिफिकेट? गए थे कहीं बनवाया? गए थे जाने को लेकिन बना नहीं है। फिर खूब डोले थे, डोलने को मिला। प्रदेश में अगर बात की जाए तो जितनी अगर हमारी वोटिंग है एससी समाज की तो जितनी जितना परसेंट है 22% या 18% वो इतना मिल नहीं पाया है बिल्कुल। और आज अब सवाई माधोपुर की बात की जाए तो चाहे जनरल हो, जनरल में कभी सीट आ जाए तो एससी समाज का कभी टिकट मिलता नहीं है ना उनकी सीट आती है। और मैं यही चाहता हूँ कि ये दलित समाज को एससी समाज को हमेशा जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो सब यूज करते आइए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा आगे जाके ये दलित समाजों को या एससी समाज को ये मौका दिया जाए, इनको भी सीटें दी जाए। मैंने जब भी देखा है मेरी याद से जब से मैंने यही देखा है कि दलित समाज को एससी समाज को यूज किया है हर किसी ना किसी सरकार ने, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इस बार किधर जा रहा है एससी समाज, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। तो इस बार दर्शक यही जानना चाह रहे हैं कि किस इस बार इस क्या मूड है इस बार भी तीसरा विकल्प ही है। इंदिरा आवास मिला खामली से? इंदिरा आवास हमको क्यों? दो बार तीन बार कहते आओगे आओ ना का कोई डोर बाड़ा था कौन? अकेली रहती हूँ। बेटे कहाँ जाए? तो क्या बताते हैं सरपंच वगैरह ग्राम सरपंच को? दो बार की आई है ना और भी कागज पंद्रह दिया, ये सुनाई कौन करे? अब का सरपंच की बार बार जाओ कहाँ लगती है ग्राम पंचायत कौन सी है? या अपने तारणपुर ग्राम पंचायत कितनी दूर पड़ती है? ये पड़े तो ज्यादा ये कोस कौन है तो फिर क्या कहता है सरपंच? क्या कहता है वहाँ जाती है? अच्छा क्यों कहते दुआऊंगा दुआऊंगा? अब जा दो वर्ष हो गए और दूसरा दे तीन हो जाओ, दो बार आगे ना और कौन सुनाए कौन पर? अब काय करो
जिनका नाम से न जिनकी कम्प्लेट होगी अधिकार नाम से कौन पीछा तो मार्गद दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।